हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे इंट फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल वैल्यू एंड देन सेकेंड वन हम टाइप करते हैं इंटीजर इंटीजर इंट वैल्यू टाइप कर देते हैं इंट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला सपोज दैट 2000 रुपीज़ 55 पैसे, 200 रुपीज़ 55 पैसे, 600 रुपीज़ 44 पैसे, 788 रुपीज़ एंड देन 66 पैसे, 300 रुपीज़ 22 पैसे। और इससे मुझे इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इंट वैल्यू का यूज क्या होता है कि जो भी डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है उस डेसिमल की बाद की वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ हमें कमांड चलाना पड़ेगा इक्वल int इंट देन शिफ्ट दबा के 9 और उसके बाद इंटीजर वैल्यू को सिलेक्शन करेंगे देन शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे और एंटर जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये नॉर्मल वैल्यू है इसमें से जो डेसिमल के बाद की वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं इक्वल int शिफ्ट दबा के 9 देन नॉर्मल वैल्यू पे क्लिक। जो भी आपको नंबर में रिमूव करना है डेसिमल की वैल्यू के बाद का वैल्यू को और उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 देन एंटर। क्लियर। और इसे जल्दी करने के लिए सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये नीचे तक वही चीज़ फिल हो जाएगा डाटा। अगर मैं डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू को बढ़ाता हूँ, सपोजेड मैंने यहाँ पे लिख दिया 52 52 52, तो देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू को शो नहीं करेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ट्राई करके देखिएगा और कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।